हेलो गाइस, स्वागत है आपका गेट 30 चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं फ्लो ऑफ फ्लूड्स का सेकंड लेक्चर। कल हमने पढ़ा था जो फ्लूड के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्लो क्या क्या होते हैं, ठीक है, कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन के बारे में समझाया था और साथ ही हमने बताया था डिस्चार्ज क्या होता है, ठीक है। वहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्लो में हम एक फ्लो पढ़ रहे थे, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार और टर्बुलेंट के लिए एक नई चीज़ यूज़ हुई थी जिसका नाम था रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, ठीक है, एक साइंटिस्ट है रेनॉल्ड, उन्होंने ये नंबर डिस्क्राइब किया था, उन्होंने ही इस नंबर के बारे में बताया था। प्रैक्टिकल्स के आधार पर, उनके एक्सपेरिमेंट्स थे, उनके एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने पता लगाया कि कोई भी फ्लो यानी कि कोई प्रवाह स्तरीय है या विक्षुब्ध है, यह निम्न बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। किस किस पर? सबसे पहले तो तरल की डेंसिटी पर, ठीक है, डेंसिटी। दूसरा तरल के वेग पर, जिसको हम रो से दिखाते हैं, वेग जिसको हम वी से दिखाते हैं। तीसरा पाइप के व्यास पर, ठीक, जिसको हम डी से दिखाते हैं, सही। और लास्ट किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सॉरी डायनेमिक विस्कोसिटी, जिसका अर्थ है गति की क्षमता। यानी कि 1/μ के, यदि हम इन सबको कंबाइंड कर दें तो हमारा क्या नंबर बनता है, रेनॉल्ड रो वी डी अपॉन म्यू, यही होता है रेनॉल्ड नंबर, जिसके आधार पर कोई प्रवाह स्तरीय है या विक्षुब्ध है, इस चीज़ का पता लगेगा। इसमें ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यदि रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होता है तो हम उसको बोलते हैं स्तरीय प्रवाह, यदि रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज़्यादा होता है तो हम उसको बोलते हैं विक्षुब्ध प्रवाह, ठीक है। और अगर प्रवाह में रेनॉल्ड नंबर 2000 से 4000 के बीच रहता है तो इसको बोलते हैं परिवर्तनीय प्रवाह। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि पाइप हमेशा फ्लो जो हो पाइप में ही हो, ऐसा भी हो सकता है किसी चैनल में फ्लो कर रहा हो, ठीक है। उस स्थिति में यदि कोई चैनल है या कोई प्लेट है, जब ऐसे प्रवाह की बात करते हैं तो रेनॉल्ड नंबर में यही सब पैरामीटर्स थोड़े बदल जाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर 3×10^5 से कम है तब आएगा लेमिनार यानी कि स्तरीय, और 5×10^5 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट। वहाँ पर थोड़ा फॉर्मूला भी चेंज होता है, वहाँ पर पाइप का व्यास नहीं यूज़ करते हैं, वहाँ पर यूज़ करते हैं हम लेंथ, ठीक है, पाइप का लेंथ यूज़ होता है। चलिए गाइस, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं रेनॉल्ड नंबर पर पेस्ट, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आप रीड कर सकते हैं। 1.5 सेंटीमीटर व्यास के पाइप में 1.5 मीटर/सेकंड के वेग से पेट्रोल प्रवाहित होता है। यदि पेट्रोल का निरपेक्ष गति की क्षमता, ये क्या होता है, न्यू होता है, न्यू दिया हुआ है, तो ज्ञात कीजिए कि पेट्रोल का प्रवाह स्तरीय है या विक्षुब्ध है, चेक करने के लिए कहा गया, ठीक है। आप क्या जानते हैं, पहले हम उसको गिवन डाटा में देखेंगे कि हमको दिया क्या क्या है। डी यानी कि इसका व्यास दिया है पाइप का 1.5 सेंटीमीटर, वेग दिया है ये भी 1.5 मीटर/सेकंड है। यदि पेट्रोल का निरपेक्ष गति की क्षमता, इसको हम न्यू से प्रदर्शित करते थे, 8.5×10⁻¹⁷ m²/s, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि पेट्रोल का प्रवाह स्तरीय है विक्षुब्ध है, और कुछ नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम गाइस क्या करेंगे, हम जानते हैं
वी नो दैट रेनॉल्ड नंबर रो वी डी अपॉन म्यू, ठीक है। अच्छा, यूनिट सारी देख सकते हैं आप एमकेएस में है, हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है सिवाय इसके, डेढ़ सेंटीमीटर इसको हम लिख सकते हैं, मीटर में चेंज करेंगे तो 0.015 मीटर, ठीक है, यानी कि 100 से डिवाइड कर दिया। अभी रो वी डी अपॉन म्यू, हमारे पास ना तो रो है ना म्यू है, लेकिन हम इसमें एक चीज़ जानते हैं कि अगर मैं म्यू अपॉन रो यानी कि रो को नीचे लेके आऊं तो यही फॉर्मूला बन जाता है वी डी अपॉन न्यू, क्योंकि जो न्यू है वो म्यू अपॉन रो होता है। हम इस फॉर्मूले को इस रूप में भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे 1.5 इंटू 0.015 अपॉन 8.5 इंटू 10^-7, ठीक है। ये जो भी आएगा सॉल्व कर कर, ये आने वाला है 1.7647.05। आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर 4000 से भी ज़्यादा है, ठीक है, 17000 है ये लगभग। तो फ्लो कैसा हो गया? टर्बुलेंट। इस फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे क्योंकि इसमें जो रेनॉल्ड नंबर है वो 4000 से भी ज़्यादा आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये फ्लो टर्बुलेंट रहेगा, सही, ठीक है। तो एक चीज़ हम यहाँ पर एक और करेक्ट कर लेते हैं, हमने जहाँ रेनॉल्ड नंबर पढ़ा था हम वहाँ पर भी ये चीज़ ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हमें ये लिख लेना चाहिए, ताकि ये हमारे फॉर्मूला बॉक्स में कवर रहे। आप इसे भी ऐड कर लीजिए, ठीक है, ओके। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए गाइस, मेरे पास एक दूसरा एग्जांपल है रेनॉल्ड नंबर पर बेस्ड ही, ये भी देख लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या पूछ रहा है? यदि पानी का प्रवाह रेनॉल्ड 23-20 पर स्तरीय से विक्षुब्ध में परिवर्तित होता है तो 10 सेंटीमीटर व्यास के पाइप में प्रवाहित कराने पर पानी का क्रांतिक वेग ज्ञात कीजिए। पानी का निरपेक्ष गति की श्यानता दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, गिवन डाटा। इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें रेनॉल्ड नंबर दिया हुआ है, उसके बाद पाइप का व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है, और निरपेक्ष गति की श्यानता। निरपेक्ष गति की श्यानता को हम न्यू से दिखा देते हैं, जो कि हमको गिवन है, ठीक है। फिर एज यूजुअल सेम वही जैसे हमने प्रोसीजर फॉलो करते हैं, हम क्या जानते हैं, रेनॉल्ड नंबर होता है रो वी डी अपॉन म्यू होता है, ठीक है। अब लेकिन हम इसी को ही लिख सकते हैं वी डी अपॉन न्यू, ये मैं प्रूफ कर चुका हूँ कैसे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। यूनिट यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन सभी चेंज करनी पड़ेंगे, क्योंकि अभी देखिए आप ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसके अलावा हम कोई और चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यूनिट कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई होगी सिंपल, तो आंसर आएगा 2.338 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको दो पॉइंट नोटिस करने वाले थे। पहली बात, इसने क्या कही थी कि 22320, इससे ये स्तरीय से विक्षुब्ध में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब। और दूसरी चीज़ इसने पूछी थी क्रांतिक वेग, वेग नहीं पूछा था, क्रांतिक वेग पूछा था। तो क्या है, हमने सही किया है, हाँ ये बिल्कुल सही है न्यूमेरिकल। क्यों? देखिए क्रांतिक वेग होता क्या है, क्रांतिक, इस क्रांतिक वर्ड का इंग्लिश होता है क्रिटिकल। क्रिटिकल हमने कहाँ सुना है, अब से पहले डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं कि पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, ऐसा ही सुना है ना। या फिर वाटर को जब पढ़ते थे उसमें होता था क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट या ट्रिपल पॉइंट, जहाँ पर वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, या गैस से सॉरी लिक्विड से आइस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो क्रिटिकल वर्ड का मीनिंग ये निकल के आता है कि जहाँ पर एक चीज़ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होती हो,
डॉक्टर्स के टर्म में भी यही है, लाइफ से डेथ में कन्वर्ट होता है तब उसको बोलते हैं कि हाँ ये क्रिटिकल है, हमें इसका कुछ नहीं पता, ये लाइफ में जाएगा डेथ में जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी है क्रिटिकल वर्ड जो यूज़ है कि लेमिनार से टर्बुलेंट में या टर्बुलेंट से लेमिनार में। फिलहाल तो यहाँ लेमिनार से टर्बुलेंट हो रहा है, ठीक है। तो हमने जब रेनॉल्ड नंबर 23-20 यूज़ किया है तो इसका मतलब हमने सही यूज़ किया है, 23-20 के ऊपर ही जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो क्रिटिकल वेलोसिटी रहेगी, सही है, ठीक है। तो चलिए, वैसे हम कंटिन्यूटी इक्वेशन भी पढ़ चुके थे तो एक या दो न्यूमेरिकल कंटिन्यूटी इक्वेशन पर भी बेस्ड देख लेते हैं, ठीक है। तो गाइज ये मैंने आपके सामने एक दूसरा न्यूमेरिकल नोट किया हुआ है जो कंटिन्यूटी इक्वेशन पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, किसी पाइप का व्यास 0.2 मीटर है, इसमें से पूरा भरकर पानी 10 मीटर प्रति सेकंड के मध्यमान वेग से बह रहा है। पाइप से पानी का स्राव डिस्चार्ज ज्ञात करना है, मीटर क्यूब पर सेकंड, अच्छा दो यूनिट्स में ज्ञात करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी एज यूजुअल सिंपल न्यूमेरिकल जैसे करेंगे। गिवन क्या क्या है हमारे पास, देखिए पाइप का व्यास दिया है 0.2 मीटर, पानी पूरा भरकर वेग दिया है हमको 10 मीटर पर सेकंड, और हमसे क्या पूछा गया है क्यू, ये जो स्राव होता है वर्ड इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज यानी कि हमसे डिस्चार्ज पूछा गया, डिस्चार्ज को हम क्यों से डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये भी फाइंड करेंगे, हम क्या जानते हैं, आप जानते हैं क्यों बराबर ए वी, अच्छा ए फॉर एरिया होता है, वी फॉर वेलोसिटी होता है। तो एरिया अगर कोई पाइप का है वो होता है पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू वी, वी को एज यूजल लिख लिया, पाई बाई फोर डी स्क्वायर यानी कि 0.2 का स्क्वायर, वी को यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड, यूनिट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि दोनों मीटर में है। तो ये सब सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 314 मीटर क्यूब पर सेकंड, एक आंसर हमारा यहीं पर आ गया, ठीक है। दूसरी चीज़, इसी को हमसे पूछा गया था लीटर पर सेकंड में भी, लीटर पर सेकंड में भी हमसे पूछा गया है। तो लीटर पर सेकंड के लिए आप जानते हैं एक मीटर क्यूब पर सेकंड बराबर, आपको क्या पता है कि 1000 लीटर में एक मीटर क्यूब होता है, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी सेम चीज़ हम लिख सकते हैं, और इसी को अगर कन्वर्ट करें तो यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा, तो ये हो जाएगा 314 मीटर क्यूब पर सेकंड, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। इसमें कुछ नहीं किया मैंने, देखिए मीटर क्यूब वाली साइड में अगर 1 है तो दूसरी साइड में 1000 से मल्टीप्लाई होगा, अगर इतना है तो इसमें भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पॉइंट्स तीनों पॉइंट खिसक गए और ये बन गया 314 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल था ये। चलिए थोड़ा सा एक सिचुएशन न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक नया न्यूमेरिकल है, ये भी कंटिन्यूटी इक्वेशन पर बेस्ड है, ठीक है। देखिए इसमें क्या अलग है, इसमें कहा गया है एक शुंडाकार पाइप, शुंडाकार कॉनिकल को बोलते हैं, कॉनिकल समझते हो ना, जिसका व्यास एक सिरे से बढ़ते से दूसरी तरफ घटते हुए या घटते से बढ़ते की तरफ, दोनों ही बातें हो सकती हैं, ठीक है, कॉनिकल शेप हो गई, इस तरीके से है इसका। ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं, शुंडाकार या कॉनिकल। पाइप के एक सिरे का व्यास 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और दूसरे सिरे से पानी 100 लीटर पर सेकंड की दर से निकल रहा है, ठीक है। पानी पाइप में 10 सेंटीमीटर व्यास वाले सिरे से प्रवेश करता है, यदि निकास के समय पानी का मध्यमान वेग, निकास के समय यानी कि यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड रखना हो तो इस सिरे पर पाइप का आवश्यक व्यास ज्ञात कीजिए, प्रवेश के समय पानी का मध्यमान वेग भी ज्ञात कीजिए, ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल है, देखते हैं कैसे होगा सॉल्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम इनको नंबर्स देते हैं, एंट्री को आप फिलहाल के लिए मान लीजिए 1 सेक्शंस के रूप में, और एग्जिट को आप मान लीजिए 2, यानी कि इस जगह पर हम कोई भी चीज़ लेंगे
एरिया वेलोसिटी या डिस्चार्ज उसको हम 1-1 से प्रदर्शित करेंगे, और इस जगह पर कुछ भी लेंगे एरिया वेलोसिटी और डिस्चार्ज इसको हम 2 से प्रदर्शित करेंगे। देखिए कैसे, गिवन डाटा, पहले इसमें गिवन क्या क्या है आपके पास, एक शुंडाकार पाइप के एक सिरे का व्यास 10 सेंटीमीटर इसका एंट्री वाले पाइप का डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसको डिनोट करेंगे D1 से 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एंट्री वाला है, ये आगे लिखा हुआ है पानी पाइप में 10 सेंटीमीटर वाले व्यास से प्रवेश करता है। पाइप के दूसरे सिरे यानी कि सेकंड वाला हो गया, से पानी 100 लीटर पर सेकंड Q2 100 लीटर पर सेकंड किधर से निकल रहा है, पानी पाइप में 10 सेंटीमीटर व्यास वाले सिरे से प्रवेश करता है। यदि निकास के समय पानी का वेग, निकास के समय यानी कि एग्जिट पर, V2 20 मीटर पर सेकंड रखना हो तो इस सिरे पर पाइप का आवश्यक व्यास ज्ञात कीजिए। आवश्यक व्यास यानी कि D2 हमसे पूछ रहा है, प्रवेश के समय पानी का मध्यमान वेग V1 भी पूछ रहा है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको करेंगे कैसे, हम क्या जानते हैं क्यू बराबर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से, यानी कि सातत्यता समीकरण से, हम जानते हैं क्यू बराबर A1V1 बराबर A2V2, चाहे वो कितनी भी जगह पर हो बराबर होता है, यानी कि Q1 बराबर Q2 होता है, तो क्यों इसने चाहे किसी भी जगह दिया हो एंट्री का या एग्जिट का वो बराबर लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इजीली हो जाएगा, मेरे पास देखो क्या क्या है, Q2 और V2 है, ठीक है, यहाँ से A2 निकल सकता है। यदि मैं केवल दो टर्म को लूँ, केवल इन दो को, ठीक है, तो इससे क्या होगा, Q2 की वैल्यू आपको पता है मुझे मिली हुई है 100 लीटर पर सेकंड, अगर मैं इसको मीटर क्यूब में चेंज करने लगूँ तो 1000 से डिवाइड होगा, यानी कि ये आएगा 0.1 क्यूब मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। 10 सेंटीमीटर को भी चेंज कर लेते हैं, ये आएगा 0.1 मीटर, ये मीटर में ऑलरेडी है, यूनिट सही है, अब सही है। Q2 को हम लिख सकता हूँ 0.1 इज इक्वल टू A2 मेरे को निकालना है, V2 इसने दिया है 20, ठीक है, तो इसके अलावा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, 0.1 इज इक्वल टू 2 की वैल्यू लिख सकते हैं पाई बाय 4 D2 स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला होता है कोई भी सर्कुलर पार्ट होता है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से D2 की वैल्यू हो जाएगी, D2 की वैल्यू इसे सॉल्व करके आ रही है 0.0798 मीटर, ये आप कैलसी से सॉल्व कर लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है। तो हमारा एक आंसर आ गया है D2, अब हमें दूसरे आंसर की बात करनी है, दूसरा आंसर हमारा क्या रहेगा V1 के लिए, V1 को भी हम आसानी से निकाल सकते हैं सिमिलरली करके, आपके पास दूसरा चीज था क्यू बराबर A1V1, ये भी आपके पास था, ठीक है, तो इसमें क्यों हमारे पास फिर से यही वैल्यू ली जा सकती है, एरिया नहीं है लेकिन हम निकाल सकते हैं पाई बाय 4 D1 स्क्वायर, D1 यानी कि 0.1 का स्क्वायर, V1 हमें इस फॉर्मूले में निकालना है, ठीक है। तो देखिए आप पूरे के पूरे फॉर्मूले में केवल जो अननोन है वो V1 है, तो यहाँ से हम V1 निकाल लेंगे, V1 का वैल्यू सोल्व करने के बाद आ रहा है, ये आ रहा है 12.738 मीटर पर सेकंड, ये भी आपका एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये चीज़ का अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट भी है तो इस चीज़ का हम यूज़ आगे बहुत न्यूमेरिकल्स में करेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, ठीक है, वेट, देखिए गाइस, ये आपके सामने एक नया न्यूमेरिकल है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पर बेस्ड, इस न्यूमेरिकल के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस न्यूमेरिकल से संबंधित, ठीक है, तो देख लेते हैं ये भी, इस न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, चित्रानुसार, यानी कि इसमें क्वेश्चन में फिगर गिवन है, एक 30 सेंटीमीटर व्यास का पाइप जिसमें से पानी बह रहा है दो शाखाओं जिनके व्यास क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है में विभक्त हो जाता है। यदि 30 सेंटीमीटर व्यास के पाइप में पानी का वेग 2.5 मीटर पर सेकंड हो तो इस पाइप में स्राव या विसर्जन ज्ञात करो, तथा
15 सेंटीमीटर व्यास के पाइप का वेग भी ज्ञात करो, जबकि 20 सेंटीमीटर व्यास के पाइप में पानी का वेग 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो सिंपल है, न्यूमेरिकल हो जाएगा ये भी। पहले इसमें देख लेते हैं गिवन डाटा क्या क्या है। कहानी बिल्कुल यही लिखी हुई है कि एक पाइप आके जाके दो में डिवाइड हो रहा है। इसका पाइप को देखिए, ऐसे कंडीशन में हम हर जगह पर एक सेक्शन मान लेते हैं। इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, इसको हमने थर्ड मान लिया। ये पाइप का नंबरिंग भी कर सकते हैं, ये फर्स्ट पाइप है, इससे ये सेकंड और थर्ड में डिवाइड हो गया। ठीक है, इसके हिसाब से हमें डाटा को मैनेज करने में आसानी होगी। जैसे कि पहला का है 30 सेंटीमीटर व्यास, 30 सेंटीमीटर वाला कौन सा है, ये वाला पाइप है, चाहे आप यहाँ भी लिख सकते हो। तो इससे हमारे पास इसका व्यास हो गया 30 सेंटीमीटर, जिसमें से पानी बह रहा है, दो शाखाओं में डिवाइड हो रहा है, जिसके व्यास क्रमशः क्रमशः दिए हैं। तो पहले वाले का ले लो 20 सेंटीमीटर और ये इसमें जो दूसरा पाइप में डिवाइड हो रहा है उसका रख दो 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये 20 वाला पाइप हो गया और ये 15 वाला, सही है। यदि 30 सेंटीमीटर व्यास के पाइप में पानी का वेग 30 सेंटीमीटर ये वाला है, इसके साथ टर्म रहेगी V1 2.5 मीटर पर सेकंड है, तो इस पाइप में स्राव या विसर्जन ज्ञात करो। Q पूछा गया है, ठीक है, Q भी Q1 पूछा गया है, ठीक, तथा 15 सेंटीमीटर व्यास के पाइप का वेग भी ज्ञात करो। 15 सेंटीमीटर व्यास के पाइप का वेग, 15 सेंटीमीटर कहाँ पर है, ये वाला वेग, यानी कि V3, ठीक है, निकाल लेंगे कोई बात नहीं। जबकि 20 सेंटीमीटर व्यास के पाइप में पानी का वेग, यानी कि V2 दिया गया है, कितना है 2 मीटर पर सेकंड, सही, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल सा है। इसमें अभी आप देखें कैसे है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, ठीक, देखिए आपको ये जितने भी D1, D2, D3 करके देना, आप तुरंत ही एक फॉर्मूला यूज़ कर कीजिए एरिया का, क्योंकि आप जानते हैं एरिया निकालना इजी है। आप एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर लिया कीजिए। वी नो दैट एरिया होता है पाई बाई फोर डी स्क्वायर। अगर A1, A2, A3 के टर्म्स में बात करूँ तो A1 बराबर पाई बाई फोर D1 स्क्वायर, यानी कि पाई बाई फोर D1। D1 यहाँ पर देखिए यूनिट को ना मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कंफर्टेबल रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 मीटर, इसको 0.2 मीटर, इसको 0.15 मीटर, ये मीटर में ऑलरेडी है तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से सिंपल हो जाएगा पाई बाई फोर D1 स्क्वायर, D1 यानी कि 0.3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है आप चेक कर सकते हैं ये कैलकुलेटर, 3.142 इंटू 0.3 का स्क्वायर भाग 4, 0.070695। ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है तो पूरी लिख सकते हैं। सिमिलरली आप A2 और A3 भी कैलकुलेट कर लीजिए। कैल्सी में सेम वैसे ही सोल्व करेंगे, पॉइंट 0.3142, ठीक है। A3 भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, पाई बाई फोर D3 स्क्वायर, पाई बाई फोर 0.15 का स्क्वायर। तो इसमें क्या रहा है देखते हैं, 3.142 इंटू 0.15 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये काफ़ी लेंथी वैल्यू है, कोई बात नहीं, हमारे लिए इतनी काफ़ी है, ठीक है, 0.0176, सही है। अब इसी न्यूमेरिकल में आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास क्या था क्वेश्चन में, कि हमें सबसे पहले निकालना है Q1। Q1 आई थिंक अब मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर AV या फिर Q1 बराबर A1V1, एक ही बात है, ठीक है। Q1 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, A1 हम निकाल चुके हैं 0.07670695, V1 हम निकाल चुके हैं 2.5,
ये सॉल्व करके ऐसा कोई वैल्यू आ जाएगा, देख लेते हैं ये क्या रहा है। 0.07695 × 2.5 ये आ रहा है 0.1767। क्यू का जो यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकंड होता है, ठीक है। थर्ड, इससे बाद हमसे क्या पूछा गया है, V3 पूछा गया है, V3 भी निकाल लेंगे। देखिए V3 के लिए ना हमारे पास ये पाइप का सिचुएशन है, तो आप इसमें देख सकते हैं, देखिए इस पाइप को देखिए, यहाँ से जो भी लिक्विड फ्लो हुआ होगा वो कुछ इस भाग में चला गया होगा, कुछ इस भाग में चला गया होगा। यानी कि फिगर से मैं देख के आसानी से लिख सकता हूँ कि जो क्यू रहा होगा यानी कि Q1 वो दो आगे डिवाइड हुआ होगा, यानी कि Q1 बराबर Q2 प्लस Q3। इस फिगर के लिए बोल रहा हूँ मैं पर्टिकुलरली, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ से जो भी पाइप में पानी बाहर आया होगा वो दो भागों में चला गया, ठीक है। तो कुछ भाग इसमें चला गया होगा, कुछ इसमें, मुझे नहीं पता है कि कितना गया है, लेकिन कुछ भाग डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को इजीली ऐसे लिख सकता हूँ, Q1 बराबर Q2 प्लस Q3। Q1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A1V1, A2V2, A3V3, ठीक है। इनको फॉर्मूले के हिसाब से ब्रेक कर लिया, क्योंकि क्यू बराबर AV हम पहले से जानते हैं। अब A1 की वैल्यू मेरे पास है ऑलरेडी, ये रही 0.0707, लिख ले रहा हूँ इसको यहाँ पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, 2.5। A2 मेरे पास है 0.03142, सॉरी ये वन यहाँ नहीं दिख रहा, 3142। V2 मुझे पता है 2, A3 भी पता है 0.176 था ये, 176, इसे कट कर लेते हैं, 0.0176 इंटू V3। इस पूरी इक्वेशन में V3 अननोन है, तो हम इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो आसानी से V3 आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या है वैल्यू, 0.0707 इंटू 2.5 माइनस, ये इधर जाके माइनस की टर्म हो जाएगी, 0.03142 मल्टीप्लाई बाय 2, ये इधर तक आ गए, डिवाइड करेंगे 0.0176 से, तो ये हो जाएगा 6.472। मीटर पर सेकंड, ये हमारा सेकंड आंसर हो गया, एक आंसर हमारा यहीं पर आ गया था, ठीक है। जो हमसे पूछा गया था, हमने दोनों चीज़ें बता दी कि हमारे पास Q3 भी, Q1 भी आ गया है और V3 भी आ गया है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस।